round of applause, ladies and gentlemen. चारों को बधाई देता हूं कि आप लोगों ने अपना पूरा जीवन और अपना पूरा टाइम देश के लिए दिया है, खेल के लिए दिया है। आप लोग ने पिछली बार जब राष्ट्रपति भवन में अवार्ड का फंक्शन हुआ था तो आप लोग विदेश में थे, इसलिए आप लोग नहीं आ पाया। तो आज एक छोटा सा औपचारिक सेरेमनी करके आपको जो अवार्ड दिया है खेल रत्न के लिए, द्रोणाचार्य और अर्जुन अवार्ड के लिए, आप चारों को मैं बधाई देता हूँ और आगे के लिए भी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और आप लोगों के साथ जो जो लोग और जुड़े हुए हैं, जो कोच है, टेक्निकल टीम है, सपोर्टर है, फैमिली है, विल विशर, सबको भी मैं बधाई देता हूँ क्योंकि सबका योगदान होता है। एक खिलाड़ी पैदा करने के लिए बहुत लोग योगदान देना पड़ता है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को और पूरा परिवारजनों को बधाई देता हूँ। और आगे देश के लिए आप लोग बहुत और काम करेंगे ऐसा उम्मीद है। अभी हम लोग जलपान है, खाने पीने चाहे जो व्यवस्था किया है हम लोग ले लेंगे, फिर उसके बाद प्रस्थान करेंगे। धन्यवाद। फोर प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज आर बीइंग गिवन अवार्ड। राजीव गांधी खेल अवार्ड, इट इज़ द हाईएस्ट अवार्ड फॉर द स्पोर्ट्स पर्सन। इज बीन कन्फर्ड टू बजरंग पुनिया ऑन रेसलिंग एंड दिलों साहब, यू नो इज अ रिनाउंड कोच एंड ही इज वन ऑफ द पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस तेजिंदर। सो तेजिंदर टूर ऑफकोर्स इज आवर greatest shot putter at this point of time in India, and he is one of the top ranking in the world. And Muhammad Anas also for his great performance in athletics. So for Rajiv Gandhi Khel Award, and then Dronacharya and Arjuna Award is conferred, and along with the cash. देखिए हमारा जो women archery team जो अभी qualify की हैं, अब मुझे इसलिए बहुत खुशी हो रही है कि हमारा मेंस और वुमेंस दोनों अब ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हो गए हैं आर्चरी में। ये बहुत बड़ी बात है और मुझे उम्मीद है कि इस बार आर्चरी में भी हम मेडल लाएंगे, ऐसा पूरा मेरा उम्मीद है। जो रिकॉग्निशन का बात है, आर्चरी एसोसिएशन का दो गुट होने की वजह से उसको सस्पेंड कर दिया गया है और कोर्ट के माध्यम से एक डायरेक्शन आया, उस डायरेक्शन के मुताबिक हम अपने और ऑब्जर्वर के माध्यम से हम इसको जल्दी से हम सुलह कर लेंगे। और हम चाहते हैं कि कोई भी भारतीय खिलाड़ी भारत के झंडे के नीचे ही खेले, कोई न्यूट्रल फ्लैग नहीं, भारतीय तिरंगा के फ्लैग के नीचे ही हमारा भारतीय खिलाड़ी खेलना चाहिए ओलंपिक्स या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में। ये हमारा प्राथमिकता है, इसलिए मेरा पुनः जितना भी खेल संघ से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं सबको मैं फिर से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग आपस में ऐसा विवादित स्थिति पैदा मत कीजिए जिससे डी रिकॉग्नाइज हो जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय संघ से या इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल से या कोर्ट के माध्यम से इंटरवीन करना पड़ता है, ऐसा परिस्थिति ना हो। और खिलाड़ियों को नुकसान होता है अगर खेल संघ में कमियाँ होता है या उसमें विवादित होता है। तो मैं चाहता हूं कि सारा खेल संघ एकजुट होकर के देश के लिए और खेल के लिए एकजुट होकर काम करे और खेल मंत्रालय पूरे खिलाड़ियों को और खेल संघों को पूरा मदद देने के लिए तैयार है। जिस दिन से मैंने खेल मंत्री का पद संभाला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक निर्देशन, उनका एक सोच को लेकर के हमने पहले दिन से काम करने का निर्णय किया और खिलाड़ियों को खिलाड़ी संस्थाओं में, प्रशिक्षण केंद्रों में कोच से, टेक्निकल एक्सपर्ट से, फेडरेशन से, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन सबसे मैं बारी बारी मिल रहा हूं और सबके साथ वार्ता करके, पूछताछ करके और उनके साथ में सलाह मशवरा करके जो कुछ खिलाड़ियों के लिए संभव मदद है हम कर रहे हैं, इसलिए रिजल्ट भी अच्छा आ रहे हैं। और रिकॉर्ड नंबर इस बार हमारे ओलंपिक्स में भारतीय दल खिलाड़ियों का प्रतिनिधि टोक्यो 2020 के लिए जाने का संभावना है। अब तक 60 से ज़्यादा हमारे क्वालिफाई हो चुके हैं और उसमें बहुत सा लोग तो वर्ल्ड क्लास हमारे एथलीट जा रहे हैं जो मेडल के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर रहेगा टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में।